अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के वाचने मैरिज होम में शादी के दौरान मंडप में दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि शादी समारोह में जयमाला होने के बाद दोनों पक्षों के लोग हंसी खुशी खाना खा रहे थे। उसी दौरान दूल्हे के जीजा की आइसक्रीम खाने को लेकर लड़के पक्ष से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी बात से नाराज दुल्हन ने मंडप शादी से इनकार कर दिया और शादी न करने की जिद पर अड़ी दुल्हन सुबह तड़के मेहंदी लगे हाथों के साथ सासनी गेट थाने पहुँच गयी। दुल्हन के पीछे थाने पहुँचे दूल्हे ने रूठी दुल्हन को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन नाराज दुल्हन शादी न करने की जिद पर अड़ी रही। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों का जमावड़ा थाने पर लग गया और दोनों पक्षों में बातचीत के दौरान थाने पर भी झड़प हो गई। दुल्हन मैनपुरी जनपद के कुरावली थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वहीं लड़का थाना सासनी गेट इलाके के महेंद्र नगर का रहने वाला है। आइसक्रीम खाने को लेकर हुए विवाद के बाद दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष पर मारपीट और अतिरिक्त दहेज में 2 लाख मांगे जाने का आरोप लगाया है और दुल्हन दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जीजा जी से मारपीट की। किस बात को लेकर के विवाद हुआ था, क्यों मारपीट की? फालतू में हुआ है विवाद, कुछ वैसे ही अपने आप वो पता नहीं क्यों मेरे जीजा जी से चिढ़ रहे थे। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए थे? कुरावली से। आप दूर से आए थे इसलिए ये सब लोग यहाँ के लोकल थे इसलिए मारपीट की? और क्या, अभी आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? शादी नहीं करना चाहते? अब आप भी मना कर देंगे? और क्या, कोई बात नहीं हुई थी शादी में तो ये लड़की के जीजे ने ड्रामा किया है। किस बात को लेके किया था? वही खाने वाने को लेके, आज हमारी पूछ नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस वजह से आइसक्रीम, सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा उठा लिया आइसक्रीम का, हमें आइसक्रीम नहीं मिली। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब पैसे मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, हम तो शादी करने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसके अंदर सासनी गेट के अंदर एक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसमें दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष के बीच में कोई विवाद हो गया था, तो दूल्हा पक्ष बारात लेकर के वापस चले गया था। इसी में सासनी गेट में एक दहेज संबंधी FIR हमको प्राप्त हुई है तहरीक, उसमें हम मुकदमा पंजीकृत करा करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई। वहीं दोनों पक्षों में थाने में झड़प को देखकर पुलिस ने मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने लड़की पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट।